वास्तविक सच्चा हुकूमत का है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो। मुंबई से बाहर निकाला नहीं पाजे। उसका धर्म सिर्फ पैसे और हमारा धर्म। कहानी से उठा पर्दा, कौन नजर आएगा इस बार उत्कर्ष के साथ? क्या बेटे के चलते बाप को होगा बड़ा नुकसान? गदर फिल्म जिसे देखने के बाद हर कोई सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी का दीवाना हो गया था, ऐसे में आने वाले इस फिल्म की सीक्वल गदर द कथा कंटिन्यू में वापस से एक बार इनकी जोड़ी फिर साथ में नजर आने वाली है। लेकिन इस बार हमें एक नहीं बल्कि दो अलग जनरेशन के प्यार का अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा। दरअसल जहां एक तरफ अब फिल्म की कहानी जहां पहले खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती दिखेगी, तो ऐसे में अब हमारे यंग गबरू जवान तारा सिंह हो गए हैं बूढ़े और उनकी प्रेमिका सकीना भी होंगी मैं बूढ़ी, लेकिन अब उनका बेटा जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा हो गए हैं बड़े और वो बन गए हैं अब इंडियन सोल्जर। और इस बार बेटे को भी हो जाएगा एक पाकिस्तानी खूबसूरत लड़की से प्यार, जिसका किरदार इस बार तेलुगु फिल्म्स में अपने एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी पंजाबी कुड़ी सिमरत कौर निभाते नजर आएंगी, जो इसी फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। वैसे तो अनिल शर्मा ने काफी ए स्टार एक्ट्रेसेस को उत्कर्ष के लव इंटरेस्ट का किरदार ऑफर किया था, लेकिन किसी भी एक्ट्रेस ने इस किरदार को लेने से मना कर दिया, जिससे एक बात तो साफ है कि इस बार उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर की लव स्टोरी उतनी जबरदस्त नहीं होगी, क्योंकि गदर जैसे फिल्म में जहां ए स्टार हीरोइंस का मना करना है इस बात की ओर इशारा करता है कि जरूर आने वाली कहानी में इस बार नई जोड़ी की लव स्टोरी होगी तारा सिंह और सकीना की तरह, या यूं कहें कि इस बार लव एंगल से ज्यादा फोकस दिखेगा बाप और बेटे की पर। और इसी के चलते डायरेक्टर को लेना पड़ा है एक न्यू आर्टिस्ट का सहारा, तो ऐसे में शायद फिर एक बार अपने बेटे पर इतने पैसे खर्च करने वाले अनिल शर्मा अपने पैसे डुबाएंगे, लेकिन हो सकता है शायद इस बार फिर से तारा सिंह और सकीना की जोड़ी उभर के आए बड़े पर्दे पर सामने। वेल, अगर अब फिल्म की कहानी की बात करें तो इस बार फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होगी कि जीते जो इंडियन सोल्जर है और उसको एक जंग पे लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेजा जाएगा, जिसकी कहानी इंस्पायर होगी इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर से। ये जंग लड़ते लड़ते हमारे जाबाज सोल्जर जीत पहुंच जाएंगे पाकिस्तान और वहां उनको बना लिया जाएगा बंधक, और पाकिस्तान के आर्मी जनरल जिसका किरदार इस फिल्म में निभाएंगे मनीष वाधवा और उनकी बेटी होंगी सिमरन कौर निभाएंगी हो जाएगा जीते से प्यार। लेकिन फिर एक बार इस सरहद की नफरत दीवार बनकर दोनों के बीच आएगी और अपने बाप की तरह बेटा भी अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर जाएगा। लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स सीन जहां लाहौर के उसी पुराने जगह वापस से सीक्वल में दिखेगी, जहां तोप के आगे जीत को बांध कर मारने के लिए पूरी पाकिस्तान के जवान आएंगे और तभी उस भीड़ से आवाज आएगी कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाए, जिस पर जीत कहता है कि उसके पापा को बुलाया जाए और तभी होगी हमारे तारा सिंह की दमदार एंट्री और फिर मचेगा क्लाइमेक्स में गदर और तारा सिंह अपने बेटे बहू को बचा कर ले जाएंगे अपने साथ अपने वतन इंडिया। तो देखते हैं इस बार की ये कहानी क्या फिर एक बार जीत पाएगी जनता का दल।